ग्राम बौसर उषा पॉपुलर शिक्षा संस्थान स्कूल गरीबों असहाय का बना सहारा। गरीब असहाय व दूर दराज से आए राहगीरों ने भोजन कर दिया आशीर्वाद। लॉकडाउन की अंतिम अवधि तक उषा पॉपुलर में बनी राघव रसोई में गरीब असहाय व निराश्रित लोगों के लिए भोजन व्यवस्था। ग्राम बौसर के उषा पॉपुलर शिक्षा संस्थान स्कूल में सातवें दिन राहगीरों के लिए तथा क्षेत्रीय गरीबों असहाय व निराश्रित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था। सरसौल लॉकडाउन के चलते अपने अपने घरों को लौट रहे गांव राहगीरों के लिए विकासखंड सरसौल के अंतर्गत ग्राम बौसर के उषा पॉपुलर विद्यालय के प्रबंधक मिस्टर बीपी विद्यार्थी ग्राम प्रधान आलोक यादव व रोटरी क्लब के रोटेरियन मिस्टर अमित झा लगातार सात दिन से गरीब असहाय व निराश्रित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था का कार्यक्रम करा रहे हैं। दूरदराज से आए हुए राहगीरों ने बताया कि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। रास्ते में जगह जगह पानी शरबत बिस्किट लोग वितरित कर रहे हैं, लेकिन भोजन की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। भोजन पाकर मन को शांति मिली। इस संकट की घड़ी में बौसर सेरुआ मदैया गोराहा टॉस चौराहा प्रेमपुर में लगभग सैकड़ों की संख्या में बिहार के लोग जो भूखे प्यासे हैं तथा मोहनखेड़ा में किराए का वाहन करके इन सभी गांवों में सात दिनों से लगातार भोजन पहुंचाया जा रहा है। 15 किलोमीटर दूर किराए का वाहन करके सैकड़ों की संख्या बिहार कटिहार से पूर्णिया जिले के गरीब निराश्रित लोग प्रेमपुर में हैं। उनके पास जाकर दोनों टाइम भर पेट भोजन करा रहे हैं। रोटरी क्लब स्मार्ट सिटी के रोटेरियन शून्य अमित झा जी ने लोगों से बताया कि लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि तक लोग अपने घरों में रहे। सामाजिक संस्थाओं के साथ सरकार भी गरीब असहाय और निराश्रित लोगों को भूखे पेट नहीं सोने देगी। केवल आप ही नहीं, सरकार भी आपके लिए परेशान है। कानपुर संवाददाता राहुल भारती की रिपोर्ट।